हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं उष्ट्रासन, जिसे हम लोग बोलते हैं कैमल पोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। आप कहीं भी योगा मैट बिछाकर इसे इस आसन को कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले वज्रासन से स्टार्ट करेंगे। तो वज्रासन में किस तरह से बैठा जाता है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो उसका वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में किस तरह से बैठते हैं, इस तरह से वज्रासन में हम लोग बैठेंगे। इस तरह से वज्रासन में आ गए। वज्रासन में बैठने के बाद हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने शरीर को उठाएंगे। इस तरह से सीधा उठाएंगे। यहाँ पे टोज को, पैर को इस तरह से करेंगे और दोनों पैर के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे। इस तरह से खड़े हो जाएंगे सीधा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा आगे देखेंगे सीधे, फिर अपने स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह सीधी रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ से स्टार्ट करेंगे। दाहिने हाथ से ले जाएंगे इस तरह से धीरे धीरे, इस तरह से पीछे की ओर ले जाएंगे और अपनी इसको छूने की कोशिश करेंगे, एड़ी को छूने की कोशिश करेंगे। अपने बाएं हाथ को भी इसी तरह से ले जाएंगे पीछे की ओर, इस तरह से छूने और पेट आगे की ओर निकालेंगे, सर पीछे रखेंगे। जितनी देर चाहें आप उतना देर इसे होल्ड करके रख सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना है, सांस नॉर्मल रखेंगे। फिर वापस हम लोग इस तरह से अपने नॉर्मल पोजीशन, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। हम लोग शशांक आसन करने के लिए या फिर चाइल्ड पोज करने के लिए इस तरह से करेंगे। कुछ देर करेंगे फिर हम लोग वापस इस तरह से वज्रासन में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग उष्ट्रासन करते हैं। जो लोग उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वो अर्धउष्ट्रासन कर सकते हैं। अर्धउष्ट्रासन किस तरह से करना है उसको भी मैं करके बताती हूँ। सबसे पहले आपको इसी वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद आपको इस तरह से अपने चौड़ी पर, इस तरह से भी बैठ सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों को कमर के पास यहाँ पर रखना है या फिर आप अपने हिप पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे रखकर आपको धीरे धीरे क्या करना है, सांस लेते हुए इस तरह से पीछे की ओर बेंड करना है। इस तरह से कुछ देर बेंड करना है, जितनी देर आप कर पाते हैं। इससे पहले अपने हाथ को इस तरह से हिप्स पर रखना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से रखना है, सामने देखना है और इस तरह से पीछे की ओर धीरे धीरे जाना है, बैलेंस बनाकर सांसों को नॉर्मल रखना है। जितना देर आप चाहें, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, जितनी देर आप रह सकते हैं। फिर वापस सांस छोड़ के लिए वापस अपने नॉर्मल पोजिशन में आ जाना। इस आसन में बैलेंस बहुत जरूरी है। फिर आप इस तरह से वज्रासन में बैठ सकते हैं और इसके बाद आप चाहें तो चाइल्ड पोज भी कर सकते हैं। चाइल्ड पोज करने से क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस आया है शरीर पे वो रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्सेशन के लिए चाइल्ड पोज काफ़ी अच्छा होता है। वो किस तरह से किया जाता है उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो ये था उष्ट्रासन। तो आशा करते हैं कि आपको ये योगासन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए योगासन के साथ। तब तक के धन्यवाद।